कहा जाता है ना कि जब किसी कॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिपाही का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिपाही को जब नजर आ जाता है तो उसकी अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, तो फिर वो ताकत जो है सत्ताधारियों को तकलीफ भी पहुंचाती है। आज जब सीबीआई के चीफ ने राफेल के कागज इकट्ठा करके आज जब सरकार को घेरे में लाना चाह रहा था, तो सरकार ने उसको ही चलता बना दिया। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और ये आज मीडिया के अंदर साफ जाहिर हो चुका है कि जो सीबीआई के चीफ थे वो कहीं ना कहीं राफेल के कागजों को इकट्ठा कर रहे थे। इसको लेकर शायद प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का ऑफिस या वो तमाम लोग इस घबराहट से उन्होंने रातों ही रात को सीबीआई को के चीफ को भी हटा दिया। उससे पहले जो वृत्तांत सामने आया उस पर मुझे इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक दूसरे को चोर साबित करने के लिए आपस में ही सिपाही लड़ गए, और उन लोगों के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि दोनों भी अदालत में अपनी अपनी सफाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि एक अधिकारी राफेल के कागजों को इकट्ठा कर रहा था और वो इकट्ठा करते हुए इतने घबरा गए प्रधानमंत्री का ऑफिस और प्रधानमंत्री जी कि उनको लगा शायद ये उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उसको ही चलता कर दिया। ये गंभीर है कि देश की सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, जो एक दुनिया के अंदर इसके बारे में ये माना जाता था कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है, आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए। ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस ऊंचाई पर हो उसके ऊपर उसके अधिकारी ही एक दूसरे पर लांछन लगा के एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और चोर साबित कर रहे हैं। ये निज़ाम की कमजोरी है, ये सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं ये उनकी कमजोरी है कि उन्होंने शायद इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब इनका इस्तेमाल होने की बारी आई तो इनकी कमजोरी सामने आ गई, और मैं ये सिर्फ इस पूरी वारदात से एक ही घबराहट है कि देश के अंदर अब कौन सी एजेंसी रह गई है जिसको हम जिसकी विश्वसनीयता पर हमें भरोसा रहेगा। सर,